हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल राजेश। में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पोको C3 के लॉन्च डेट, प्राइसिंग और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, उस सभी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और टेक न्यूज़ के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं लॉन्च डेट के हिसाब से, तो लॉन्च डेट दोस्तों 6 अक्टूबर को रखी गई है, इसकी 12 नून पे, यानी कि 12 बजे दोपहर के समय। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए, तो दोस्तों अगर मैं फंक्शंस आपको बताने जाऊँ, तो दोस्तों इनके फंक्शन अभी तक मतलब कि कंपनी की तरफ से कुछ साफ साफ नहीं किया गया है दोस्तों। जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो कि पोको C3 है, जो लीक हुई है थोड़े बहुत मतलब कि सुजेशन, उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों 10,990 रुपये की इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है। और दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये एक्सपेक्ट, ये रीब्रांड किया गया Redmi 9C को, जो कि मलेशिया में लॉन्च हुआ था जून में। ठीक है फ्रेंड, इसको रीब्रांड कर दिया गया Redmi 9C को, उसको पोको C3 कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको किया गया। ठीक है दोस्तों, और बाकी दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशंस में बात की जाए स्क्रीन साइज़ की, तो दोस्तों आपको इसमें 6.53 इंचिस की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इसके साथ अगर बाकी बात की जाए इंटरनल स्टोरेज की, वो तो मैंने आपको बताई दी है। आप इंटरनल स्टोरेज 64 आप एक्सपेंड करना चाहे तो आप इसे 500 GB तक एक्सपेंड कर सकते। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम कैमरे की बात की जाए, तो कैमरा दोस्तों इसको आपको 13 MP का मेन कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है, और 5 MP का सेल्फी कैमरा। इसमें दोस्तों ट्रिपल रियल कैमरे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मेन मतलब कि प्राइमरी कैमरा 13 MP का, बाकी मतलब कि अदर लेंसेज है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, अगर आपको आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 10 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है दोस्तों। बाकी मतलब कि बस यही चीज़ें थोड़ी बहुत जो एक्सपेक्ट की जा रही है इस फ़ोन में। और इसकी प्राइसिंग दोस्तों 10,990 दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्राइसिंग में आपको ये इतने फीचर्स वाला मतलब कि फ़ोन अच्छा लगा या कैसा लगा, और इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या सुजेशंस है, ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये फ्लिपकार्ट मतलब कि फ्लिपकार्ट बेचा जाएगा इस फ़ोन को। और दोस्तों ऐसी और टेक न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है दोस्तों, और गला ख़राब है उसके लिए दोस्तों आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलता है एक नई वीडियो में, लैपटॉप का। आप सभी को बाय।